हेलो एवरीवन, आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगर हमारे पास बहुत सारी गप्पी फिशेज हैं और मैं चाहता हूँ गप्पी फिशेज का जो ब्रीडिंग है वो अपने एक बड़े से बकेट वगैरह में करूँ, क्योंकि हम लोग सबके पास बहुत सारे एक्स्ट्रा टैंक्स वगैरह नहीं होता है, तो हम लोग कैसे ये सारे फिशेज का ब्रीडिंग करें। तो आज के वीडियो हम लोग कैसे एक बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से एक टब में कैसे ब्रीडिंग करते हैं वो सारे चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, और क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होता है एक गप्पी फिश का ब्रीडिंग के टाइम पर हम लोग को वो टब में देना चाहिए, सब कुछ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में हम लोग बात करेंगे। बट उसके लिए आपको मेरा आज का जो भी वीडियो है इसको पूरा देखना होगा। बट आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि आपको मेरा आने वाला हर वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उस बकेट के बारे में। ये जो बकेट है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा सर्कुलर टाइप का जो बकेट होता है, इस टाइप का बकेट आपको बाय करना है। अब जो वर्टिकल बकेट आप अभी आप देख रहे हैं, ये बकेट आपको एकदम भी बाय नहीं करना है। इस बकेट में ब्रीडिंग नहीं हो पाया क्योंकि इसमें आप जैसे देख रहे हैं स्विमिंग स्पेस ही नहीं है, ज़्यादा स्विम करने का एरिया ही नहीं है, मछली को दूसरे जगह जाने का कहीं स्पेस ही नहीं मिला है। तो यहाँ पर अगर आप ब्रीडिंग कीजिएगा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा या फिर ब्रीड नहीं भी करेंगे। सबसे बेस्ट जो होता है वो यही टब होता है। इस टब में ब्रीडिंग जो है वो बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। बस आपको ये टब सबसे पहले तो बाय करना है अपने फिशेस का ब्रीडिंग के लिए। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कौन सा टब सबसे बेस्ट होता है इस फिश का ब्रीडिंग के लिए। अब हम लोग बात करते हैं इसमें मुझे कितना सारा फिशेस डालना होगा, ये भी जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इसमें मैं आप लोगों को बस यही सजेस्ट करूँगा, एक मेल डालिएगा और 3 फीमेल डालिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी ज़्यादा मेल्स को मत डालिएगा, हमेशा मेल्स जो है वो फीमेल से कम रहना चाहिए। इस बकेट के लिए मैक्सिमम 1 मेल और 3 फीमेल जो है वो इनफ है। ये सारा चीज़ करने के बाद अब आपको क्या करना है, बहुत सारा हाइडिंग प्लेसेस लगाना है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रीडिंग के टाइम पे ये सारी फिशेस बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है। अगर आपके बकेट में बहुत ज़्यादा हाइडिंग प्लेसेस नहीं होगा तो इससे भी एक फिशेस जो है वो दूसरे को बहुत ज़्यादा चेस करेगी, चेस करने के वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी और फिशेस बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से मरना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए ये सारे फिशेस का ब्रीडिंग करने के लिए बकेट में ढेर सारा हाइडिंग प्लेसेस होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो इस बकेट को प्लांटेड भी बना सकते हैं, प्लांटेड बनाइएगा तो बहुत सारा बेनिफिट्स है। उसके साथ ही साथ आपको बकेट भी जो वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। आपको बस थोड़ा बहुत जो भी ओपन एरिया जहाँ पर हल्का फुल्का सनलाइट आता है बस वहाँ पर ये बकेट को सेटअप कर देना है और उसको फिर बहुत सारा एक्वेटिक प्लांट्स वगैरह लगा देना है। जैसे आप अमेजोन शॉर्ट्स लगा सकते हैं, हाइग्रोफिला पॉलिस पमा लगा सकते हैं, बहुत सारा ऐसा लो टेक प्लांट्स वगैरह है वो सारा चीज़ को आप लगा सकते हैं। इससे आपका बकेट भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, उसके साथ ही साथ फिशेज जो है वो मेनली बहुत ही ज़्यादा हेल्दी तरीके से उसमें रहेगी और आप नॉन स्टॉप ब्रीडिंग करेंगे। तो मैं आप लोगों को बस यही सजेस्ट करूँगा, प्लांटेड बकेट भी आप बना सकते हैं। प्लांटेड बकेट आपको अगर लगता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा खर्चा होगा इसको बनाने में, ये एकदम ही गलत है। मेरा इस टॉपिक से रिलेटेड मैं पहले से बहुत सारा वीडियो है जिसमें मैं बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में बात किया हूँ कौन सा ऐसा प्लांट्स होता है जो लो टेक होता है, जिसको ज़्यादा CO2 वगैरह, जिसका ज़्यादा मेंटेनेंस ज़रूरत नहीं है, वो सारा वीडियोज़ का आप ज़रूर से देखिएगा, वो सारे वीडियोज़ आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अब अगर आपको लगता है प्लांटेड नहीं बनाना तो आप सिंपल बहुत सारा हाइडिंग प्लेसेस लगा सकते हैं, उसमें ढेर सारा प्लास्टिक का प्लांट्स वगैरह लगा सकते हैं। बस आपका ये मोटिव रहना चाहिए ढेर सारा हाइडिंग प्लेसेस रहे जिसमें कि फिशेज जो है, फ्राइज जो है, वो एक दूसरे से छिप पाए। हाइडिंग प्लेसेस ढेर सारा लगाने के बाद अब आपको ध्यान देना है टेम्परेचर में, पानी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। इस फिश का ब्रीडिंग के लिए सबसे बेस्ट जो टेम्परेचर होता है वो 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर ये टेम्परेचर अपने आप बकेट में प्रोवाइड कीजिएगा तो आप देखिए आपकी जो फिशेज है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ब्रीड करेगी। ठंडा पानी में रहने के वजह से भी वो लोग ब्रीडिंग करना एकदम ही स्टॉप कर देती है, इसलिए उस बकेट में एक हीटर होना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हीटर आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हीटर मत लगाइएगा, 25 वॉट का 50 वॉट का भी अगर आपका हीटर है तो वो इनफ होता है उस पानी को गर्म करने के, क्योंकि उस बड़े से टब में ऐसा ज़्यादा पानी नहीं है। 25 वॉट्स का या फिर 50 वॉट्स का जो भी आप अगर हीटर लगाते तो वो इनफ होता है। बस आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है, वो जो हीटर है वो प्लास्टिक का टब को, प्लास्टिक वाला एरिया को टच ना करे, उसको आपको ऐसे करके फिट करना होगा, इंस्टॉल करना होगा, जिससे कि वो जो आपका ग्लास का रॉड है वो कहीं पर भी प्लास्टिक को टच ना करे, जिसके वजह से वो प्लास्टिक को मेल्ट ना करे। ये बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, वो ग्लास रॉड अगर गलती से टच हो जाता है प्लास्टिक के साथ तो वो मे भी हो सकता है वो बकेट को मेल्ट कर दे, इसलिए इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जब भी आप हीटर इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये सारा चीज़ करने के बाद अब आता है फूड्स के बारे में। फूड्स भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फूड्स को आपको इग्नोर नहीं करना है। फास्ट ब्रीडिंग के लिए एक टब में आप उसको क्या कर सकते हैं, लाइव अर्थवर्म्स वगैरह दे सकते हैं। लाइव अर्थवर्म्स वगैरह नहीं मिलता है तो
लाइव ट्यूबफेक्स वॉर्म्स दे सकते हैं, बहुत ही इजीली फिश शॉप में मिल जाता है। ट्यूबफेक्स वॉर्म्स भी अगर नहीं मिल रहा तो ड्राई ट्यूबफेक्स वॉर्म तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। तो अपने टैंक में ढेर सारा ट्यूबफेक्स वॉर्म, ड्राई ट्यूबफेक्स वॉर्म्स देते रहेगा, रेगुलर इंटरवल्स में देते रहेगा, जिससे कि फिशेज जो है वो हेल्दी रहे। फिशेज अगर हेल्दी रहेगी, उन लोग के पास अगर इनफ एनर्जी रहेगा, तभी आप वो देखिएगा वो बहुत ही जल्दी ब्रीडिंग करना स्टार्ट करें। इसलिए पैलेट्स के साथ में थोड़ा बहुत ट्यूबफेक्स वॉर्म्स भी दीजिएगा, जिससे कि वो जल्द से जल्द उस बकेट में ब्रीडिंग करना स्टार्ट करें। उसके साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट वगैरह उसमें मत लगाइएगा, ब्राइट लाइट के वजह से भी फिशेज बहुत ज़्यादा डरना स्टार्ट कर देगी। बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट मत कीजिएगा, अगर आप ओपन स्पेस में थोड़ा सा रखे हैं तो उसमें थोड़ा सा डक वीड्स वगैरह लगा दीजिएगा। डक वीड के वजह से वो क्या होगा, थोड़ा सा साइड जो है वो उसका डार्क हो जाएगा, जिसमें वो इत्मीनान से छिप के रह पाएगी। ये भी करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारे सेटअप को करने के बाद अब आपको कुछ दिन के लिए वेट करना है। कुछ दिन बाद आप देखिएगा आपके टब में सक्सेसफुली ब्रीडिंग हो जाएगा, और धीरे धीरे करके फीमेल्स का जो बेली है वो धीरे धीरे करके बढ़ते जाएगा, और वो जैसे जैसे बढ़ते जाएगा इसका मतलब ये है वो बहुत ही जल्द फ्राइज को बर्थ देने वाली है। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप जिसको मैं भूल गया था, उसको मैं लास्ट में कवर कर लेता हूँ, वो होता है जो भी बकेट में आप रखे हैं तो उसको आप कोई नेट वगैरह से अच्छे से कवर करके रखिएगा। नेट से कवर करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है बर्थ के टाइम पे ये सारे फिशेज बकेट के बाहर में या फिर टब के बाहर में जंप करने का कोशिश करेगी, इसलिए भी नेट अगर रहेगा तो उससे वो बाहर जंप नहीं करेगी। ऐसा भी मेरे पास बहुत सारी फिशेज थी जो कि बकेट के बाहर जंप कर करके मर गई हो। इसलिए भी कभी भी बकेट वगैरह में अगर रखे हैं तो उसको अच्छे से नेट वगैरह से कवर कीजिए, कोई हार्ड चीज़ से कवर मत कीजिएगा, नेट से कवर कीजिएगा, जिससे कि इजिली सनलाइट भी अंदर चले जाए, एयर भी ट्रांसफर होता रहे और फिशेज को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सो फ्रेंड्स, यही था सारा इन्फॉर्मेशन। अगर आप इसको सही से फॉलो कीजिएगा तो डेफिनेटली आप अपने टब में भी नॉन स्टॉप ब्रीडिंग कर सकते हैं ये सारे फिशेज का, और आपको बहुत सारा मंथली प्राइज मिलेगा। बस आपको जितना भी टिप्स के बारे में बताएं वो सारे चीज़ को आपको सही से फॉलो करना। सो फ्रेंड्स, होप करता हूँ ये जो भी वीडियो था आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ होगा। ऐसी मोर फिश रिलेटेड वीडियोज़ के लिए, फिश रिलेटेड कंटेंट्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर बीइंग विद मी, और अब हम लोग जल्दी ही मिलेंगे मेरे न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।